हेलो एंड वेलकम टू भटनीर आईएएस। भटनीर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं हमारे पास सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंसेस जो है, जिसको आप सहायक संधि के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की। इस पे कैसे भी करके क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या थी, इसके आने से जो है वो ब्रिटिशर्स का क्या फायदा हुआ, प्रिंसली स्टेट्स का क्या फायदा या नुकसान हुआ, और जो अलग बाकी फॉरेन पावर्स थी उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम में। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहने वाली है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सब्सिडी अलायंसेस कौन लेके आए थे। सब्सिडी अलायंसेस लेके आए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका जिनका आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि लेके आए थे सब्सिडी अलायंस पॉलिसी। लेकिन उनसे पहले भी सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के जैसे, मतलब आप बोल सकते हो उनके ही जैसी, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी के जैसे ही एक पॉलिसी जो थी, वो डुप्लेक्स जो है वो ऑलरेडी लेके आ चुके थे। डुप्लेक्स कौन थे? फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया में, दैट इज डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स है हमारे पास, ये बहुत ही आप बोल सकते हो काबिल गवर्नर थे फ्रेंच के। इन्होंने क्या किया था, ये जो थे ये इंडियन रूलर्स जो थे उनको अपनी आर्मी रेंट पे देते थे, और बदले में क्या लेते थे हमारे पास, बदले में जो है वो रेंट लेते थे, उनसे पैसा लेते थे। तो ये डुप्लेक्स ने चलाई हुई थी पहले से। अब डुप्लेक्स को देखते ही अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जब उन्होंने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो जीत ली, उसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करी थी अवध के नवाब के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास शुजा थे उनके साथ इन्होंने क्या करी, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, जिसके ट्रीटी का एक आप बोल सकते हो एक पॉइंट ये था उस ट्रीटी का, कि आपकी आर्मी, आपको हम आर्मी प्रोटेक्शन देंगे, आप उस आर्मी का लेन देन लेखा जोखा जो भी है, आप खर्चा जो है वो आप उठाओगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया था। फिर हमारे पास आते हैं दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली, ये लेके आए थे, मतलब ऑफिशियली इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी हमारे पास सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि इन्होंने हमारे पास इम्प्लीमेंट करी थी भारत में, इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो ये जो थे दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली है हमारे पास, इनको आप देख लीजिए अच्छे से। इन्होंने, और ये जो संधि थी इनके लिए बहुत फायदेमंद भी रही थी, इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने में इसका बहुत फायदा लिया। इन्होंने क्या किया, जो भी हमारे इनकी जो अलाइज जो नेशंस थे, मतलब जो स्टेट थी हमारी, ठीक है, उनके पास जाके इन्होंने बोला कि भाई दूसरी ने दूसरी स्टेट जो है वो तो आपके खिलाफ जो है वो साजिश रच रही है, वो आप पे हमला करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे इनकी दुश्मनी का फायदा लिया और इनको बोला कि आप तो एकदम से तैयारी नहीं कर पाओगे, तो मैं जो हूँ वो आपको क्या दूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा आर्मी की। तो ये सब चीजें इन्होंने करके लोगों के कान भर भर के जो है वो अलाइज बना के, अलाइज जो बने हुए थे इनके, उनके कानों में ये बातें भर के ये जो पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंसेस की, ये साइन कर पाई। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि अगर आप उनके साथ पॉलिसी साइन करते हो ये, तो आप उनकी आर्मी की पे का खर्चा, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा आप उठाओगे, बदले में वो आपको अपनी आर्मी देंगे और फॉरेन अटैक से आपको बचाएंगे और जो लोकल अपराइजिंग है उनसे आपको बचाएंगे। दूसरा क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या इन पे वो लगाया था कि अगर आपने अदर फॉरेन कंट्री, मतलब जो बाकी हैं ब्रिटिश, जो हमारे पास यूरोपियन पावर थी बाकी, जैसे कि फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, उनके साथ आपको कोई भी वो संबंध नहीं रखना है, ना ही उनको अपने स्टेट के अंदर इम्प्लॉय रख सकते हो आप, आपको सिर्फ इम्प्लॉय किसको रखना है, ब्रिटिशर्स को रखना है। तो उनके लिए जो बाकी फॉरेनर थे उनके लिए तो ये घाटे का सौदा था ना, कि उनको तो कोई मतलब इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ गई कि इनकी जब कोर्ट मीटिंग होती थी तो एक ब्रिटिशर जो है वो उनकी मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश रेजिडेंस, जो मतलब एक टेबल के साइड पे बैठा रहेगा, बेशक से वो कुछ बोलेगा नहीं लेकिन वो सब कुछ देखता रहता था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये कोई जो है वो चाल ना चले। तो एक अपना जासूस इन्होंने अंदर रखा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि इंटरनल अफेयर में इन्होंने बोला था हम आपके इंटरनल अफेयर में कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो एक बात की बात थी, इन्होंने करा ही करा इंटरफेयर। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सब्सिडी अलायंसेस क्या सभी के लिए कंपनी में वो थी, आप बोल सकते हो कि कंपल्सरी थी सबके लिए कि आपको करनी ही करनी है साइन, तो ऐसा नहीं था। जो रूलर नहीं साइन करते थे, जैसे कि टीपू सुल्तान हो गए, उन्होंने साइन नहीं की थी, आफ्टर हिज डेथ जो है वो फिर बुधियार डायनेस्टी ने साइन करी थी,
मैसूर में, फिर इन्होंने मैसूर को अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो लड़ाई भी करते थे, मराठाओं ने भी लड़ाई करी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने साइन कर ली क्योंकि ये लड़ नहीं पाए ज्यादा इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आपके पास कंपलसरी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो हिसाब के जिनको डंडा देके ही बात मनवा ली, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने जो नहीं मान रहे थे, तो उनको हर चीज मतलब जबरदस्ती जो है वो ये पॉलिसी साइन करवा ली थी। अब इस पॉलिसी के कुछ स्टेजेस होते थे। स्टेजेस का मतलब ये है कि पहली स्टेज में आपको आर्मी देंगे, आपको उनको पे देनी है। दूसरी स्टेज में ये था कि अगर आपको परमानेंट आर्मी चाहिए तो हम आपसे परमानेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे एनुअली, ठीक है। तीसरी स्टेज ये थी हमारे पास कि आपको एक स्टेज है, ये है कि फिक्स सब्सिडी फोर्स, एक फिक्स्ड फोर्स मिलेगी आपको, ठीक है। और मतलब ये जो है, ये फोर्स जो है आपको जो है वो एनुअली इसका मनी देना है आपको, लेकिन ये जो फोर्स रहेगी ये आपकी टेरिटरी के अंदर ही रहेगी, इससे बाहर ही आपके लिए लड़ने नहीं जाएगी कहीं भी। और एक चौथी स्टेज ये थी जिसमें ये बोला जाता था अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप उस अमाउंट का एक टेरिटरी जो है मतलब एक लैंड का टुकड़ा जो है वो इनसे ले लेते थे, और ऐसे कर करके हर लैंड एक्वायर कर लेते थे, ठीक है। तो ये स्टेजेस थी इनकी बनाई हुई अपने ही अपने फायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे जो है वो इंडियन स्टेट ने जो है वो इनके अंडर आए, कितने कौन सा कब आया। तो सबसे पहले जो आया था दैट इज निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 में। 99 में मैसूर आ गया, बुधियार डायनेस्टी आ गई हमारे पास, तंजौर आ गया 1799 में, अवध 1801 में आ गया हमारे पास, पेशवा जो मराठा थे 1802, सिंधिया जो मराठा है दैट इज 1803, गायकवाड 1803, और सिंधिया जो ग्वालियर के थे दैट इज 1804, ठीक है। होलकर जो है 1805, भोसले जो थे नागपुर के दैट इज 1803। तो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं एग्जैक्ट, अगर कोई वो बहुत मिसिंग हो या कोई बहुत की डेट जो है ऊपर नीचे हो गई हो तो आप इनको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये सही है सारे के सारे कि कब कौन सी स्टेट जो है वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आई थी। आई होप कि आपको सब्सिडरी अलायंस समझ आ गया है। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच।